वेदों में ज्ञान की बहुत सारी बातें भरी पड़ी है। आज का विज्ञान जो खोज रहा है वह बहुत पहले ही खोजा जा चुका है। बस फर्क इतना है कि आज का विज्ञान जो खोज रहा है उसे वो अपना आविष्कार बता रहा है और उस पर किसी पश्चिम देशों के वैज्ञानिकों के लेबल लगा रहा है। हालांकि यह इतिहास भी सिद्ध है कि भारत का विज्ञान और धर्म अरब के रास्ते यूनान पहुँचा और यूनानियों ने इस ज्ञान के दम पर जो आविष्कार किए और सिद्धांत बनाए उससे आधुनिक विज्ञान को मदद मिली। और तमाम पश्चिमी आविष्कार तो ऐसे हैं जो भारतीय आविष्कारों से ही चोरी किए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के ऐसे कौन से आविष्कार है जिनके आविष्कारों को पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अपना आविष्कार बताया और उसे पेटेंट किया। सबसे पहला आता है परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक। परमाणु बम के बारे में आप सभी जानते हैं, यह कितना खतरनाक है यह भी सभी जानते हैं। आधुनिक काल में परमाणु बम के आविष्कारक है जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अशर के जनक जॉन डॉडलन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कनाद ने वेदों में लिखे हुए सूत्र के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कनाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कनाद ने बताया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कनाद प्रभात तीर्थ में रहते थे। विख्यात इतिहास तज्ञ T.N. कोलेब्रुक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कनाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्व विख्यात थे। दूसरा आता है सोलर सिस्टम। हमारे ब्रह्मांड के बारे में लोगों की विचारधारा काफ़ी अलग है, लेकिन वैज्ञानिकों ने अपनी खोज से साबित किया कि उनकी विचारधारा कितनी गलत है। सौर मंडल के बारे में पता करने में वैज्ञानिकों को बहुत ज़्यादा समय लगा। बता दें उसके बारे में धर्म ग्रंथ ऋग्वेद में पहले से उल्लेख किया जा चुका है। ऋग्वेद में यह स्पष्ट किया गया है कि सूर्य अपने कक्ष पर घूमते हुए इस तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करता है जिससे पृथ्वी और अन्य ग्रह की सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक दूसरे से ना टकराए। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। हमेशा पॉजिटिव रहने की अनुभूति के लिए हमें नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी जाती है। पर क्या आप जानते हैं हनुमान चालीसा में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का भी वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा की पंक्ति युग सहस्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानू के अनुसार सूर्य और पृथ्वी की दूरी सहस्र योजन पर है। उसके बाद आते हैं भास्कराचार्य। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणित तज्ञ व खगोल शास्त्री थे। इनके द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। न्यूटन से भी 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था और इन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है, पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है, इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। उसके बाद आता है आयुर्वेद के जनक महर्षि पतंजलि का योगदान। योग सूत्र के रचनाकार पतंजलि काशी में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में चर्चे में थे। पतंजलि की लिखी हुए 3 प्रमुख ग्रंथ मिलते हैं। पतंजलि ने योग शास्त्र को पहली बार व्यवस्था दी और उसे चिकित्सा और मनोविज्ञान से जोड़ा। आज दुनिया भर में लोग योग से लाभ पा रहे हैं और बहुत सारे आविष्कार बाकी हैं, उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।